हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट केस स्टडी मीनिंग सोर्सेज एंड लिमिटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी की मीनिंग सोर्सेज एंड लिमिटेशंस इन हिंदी में। सबसे पहले इसमें आपको मैं इसके कंटेंट बता देता हूँ। इसमें कंटेंट आते हैं मीनिंग ऑफ केस स्टडी, बोले तो व्यक्तिगत अध्ययन का पद्धति, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज और लिमिटेशंस एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी। तो पहले स्टार्ट होता है इसमें मीनिंग ऑफ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ। मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में जो भी अध्ययन किए जाते हैं उन्हें प्रमुख रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, गणनात्मक अध्ययन और गुणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन वे होते हैं जो गणना व सांख्यिकी पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत गुणात्मक अध्ययन वे होते हैं जो गुण दोषों पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक अध्ययन पद्धति है। इसमें अध्ययन इकाइयों का अध्ययन उसमें पाए जाने वाले गुण दोषों के आधार पर किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में एक समय में केवल किसी एक इकाई को ही अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है, फिर इस पर एक का ही संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अध्ययन के लिए चुनी गई इकाइयों के जितने भी संभावित पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों का गहनता और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। इसीलिए बैगर्स ने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहकर संबोधित किया गया है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में किया है, जैसे लिपले, हर्बर्ट, स्पेंसर, विलियम हिल एंड इत्यादि आदि। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक शास्त्र के अध्ययनों में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग लिपले ने किया था। इसके पश्चात हर्बर्ट, स्पेंसर, हिली, रेडफील्ड एंड लेविस इत्यादि विद्वानों ने इस पद्धति का विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में अध्ययन किया। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें एक समय में किसी एक इकाई को चुनकर उसका गहनता और सूक्ष्मता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की इकाई कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह कुछ भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अपने आप में किसी इकाई का गहन और सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है। वीपिंग यंग के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वे एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति वर्ग या समस्त जाति हो, के जीवन के अनुसंधान व उनकी विचार विवेचना करने की पद्धति को कहते हैं। और इसमें अगर ये तो हो गया अपना फर्स्ट मीनिंग ऑफ केस स्टडी। सेकंड आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सीमाएं। तो इसमें इनके भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उसमें पहले अपन पढ़ेंगे गुणात्मक अध्ययन न कि संख्यात्मक। जैसा कि परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटना में गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, न कि परिणात्मक या संख्यात्मक। निष्कर्षों का आधार संख्याएं नहीं होती, बल्कि सामाजिक घटना का गहन अवलोकन। इस पद्धति के अध्ययन की इकाई का वर्णात्मक रूप से जीवन इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अतीत की दशाओं का वर्तमान से संबंध किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गहन अवलोकन के आधार पर घटना को प्राकृतिक इतिहास प्रस्तुत करती है। इसमें नेक्स्ट है समस्याओं का गहन अध्ययन। इस पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अध्ययन की इकाई के बारे में कुछ जानने का प्रयास करती है, न कि उसकी किसी पक्ष सामाजिक सर्वेक्षण की भांति दूर से किया गया ऊपरी अध्ययन। इसीलिए व्यक्तिगत पद्धति दीर्घकालीन अध्ययन होता है। इसीलिए बैगर्स ने इसे सामाजिक सूक्ष्म अध्ययन का है। अध्ययनकर्ता सामाजिक घटना में अपने अवलोकन के द्वारा अंदर तक प्रवेश होने की चेष्टा करता है। इसमें नेक्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन बहुत अधिक प्रणालीबद्ध नहीं होते, बल्कि अनुसंपर्कता अपने व्यक्तित्व अनुसंधान के प्रति उनकी सूझबूझ से प्रभावित होते हैं। अतः यह अध्ययन व्यक्तिगत होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन अधिकांशतः एकाकी अध्ययनकर्ता के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें सामूहिक अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन इकाई की संपूर्णता का अध्ययन है। इसकी सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता अध्ययन की इकाई की समग्रता को बनाए रखने रखते हुए उसका संपूर्ण अध्ययन करना है। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट इसमें, जो कि था अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। इसमें अब थर्ड पॉइंट है अपन जो भी देखेंगे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सूचनाओं के स्रोत, मतलब कि सोर्सेज इसके क्या क्या हैं। ये पद्धति अपने आप में बड़ी अनोखी पद्धति है। इसमें सूचना एकत्रित करने की निमित्त स्रोत हैं। फर्स्ट है प्राथमिक सामग्री। अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार, निरीक्षण, अनुसूची के माध्यम से सामग्री एकत्रित करना होता है। द्वितीय सामग्री में आते हैं इसमें, इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे कि जीवनी पत्र, डायरिया, संस्मरण, आत्मकथाएं, लेख, फोटो एल्बम, केस को दिए गए प्रमाण, वंशावली, इनाम और केस से संबंधित संस्थाओं की उनके विशेष में रिपोर्ट तथा रिकॉर्ड।
तो ये जैसे सोर्सेस, नेक्स्ट है इसका मेरिट्स ऑफ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन गुण की पद्धति। यह कहना उचित ही होगा कि व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति के विरोध में चाहे कुछ भी कहा गया हो, पर यह सत्य है कि सामाजिक वातावरण के अध्ययन में यह प्रणाली आधारभूत रहेगी। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को आज किसी समस्या के सूक्ष्म अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी समझा जा रहा है, और किसी भी गहन सूक्ष्म अध्ययन के लिए यह प्रणाली ही सर्वोत्तम है। इस बात को और स्पष्ट करने रूप से समझने के लिए हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का महत्व गुण को समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है समस्या का सूक्ष्म गहन अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत इकाइयों के केवल विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन नहीं, वरन वस्तुओं के सभी पहलुओं का हर दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो इस रूप में यह अति गहन अध्ययन होता है। नेक्स्ट है सामग्री की संपूर्णता। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा जो सामग्री विकसित की जाती है वह अपने में संपूर्ण होती है। इतनी पर्याप्त मात्रा में सामग्री अन्य विधि से प्राप्त करना कठिन ही नहीं, दुष्कर कार्य भी है। नेक्स्ट है इसमें महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का साधन। व्यक्तिगत अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं का निर्माण करने में एक साधन के रूप में कार्य करता है। इसमें अनेक इकाइयों का सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन किया जाता है और निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। इन्हें निष्कर्षों के आधार पर अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण संभव है और किया भी जाता है। नेक्स्ट है इसमें अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का साधन। व्यक्तिगत अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में हमारी सहायता करता है। यह महत्वपूर्ण प्रपत्र अनुसूची प्रणाली साक्षात्कार निर्देशकारी की होती है। किसी विशेष वर्ग की कुछ इकाइयां का अति सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात हमें अनेक महत्वपूर्ण बातों, रुचियों, मनोवृत्तियों आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है, और ऐसा होने पर अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में कोई भी विशेष कठिनाई नहीं आती। नेक्स्ट है इसमें पांचवा पॉइंट जो कि है इकाइयों का वर्गीकरण विभाजन। व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न समूहों में विभाजित एवं वर्गीकृत करने में सहायता करता है। इकाइयों का चुनाव यदि सावधानी से किया जाए तो इसके बारे में लेखपरत सामग्री किसी इकाई की महत्वपूर्ण सामान्य एवं विशिष्ट अवस्थाओं की तुलना में एवं वर्गीकरण का आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भावनाओं में एवं मनोव्यक्तित्व का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का गहन अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति की किस किस परिस्थितियों में क्या क्या भावनाएं तथा किस प्रकार की मनोवृत्ति रहती है, इस पद्धति से यह मालूम होता है। तो ये थे इसके मेरिट्स। नेक्स्ट आते हैं इसमें लिमिटेशंस। तो व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति की सीमाएं, इसकी लिमिटेशन क्या है। यदि यदि भी इनमें से कोई भी संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अत्यधिक महत्व है, फिर भी इस प्रणाली की कुछ सीमाएं हैं। तो उसमें फर्स्ट है केवल कुछ ही इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रथम सीमा यह है कि इसके अंतर्गत केवल कुछ थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, और यदि इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो निष्कर्षों का सामान्य रूप से इकाइयां लागू की जाए तथा निश्चित ही धोखा खाने से की संभावना रहती है। अवैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट है जो कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अवैज्ञानिक विधि ही नहीं परंतु असंगठित विधि भी है। वास्तव में इस प्रविधि में इकाइयों के चुनाव और सुरंग संकलन करने पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, साथ ही कोई निश्चित वैज्ञानिक एवं संगठित पद्धति का सहारा भी नहीं लिया जा सकता। इस रूप में यह अवैज्ञानिक विधि भी है। नेक्स्ट है अधिक शुद्धता। व्यक्ति अध्ययन में डायरी पत्र, जीवन इतिहास आदि से प्राप्त सामग्री का उपयोग होता है, लेकिन ये सब रिकॉर्ड एवं पत्र दोषपूर्ण होते हैं, जिन पर आधारित अध्ययन एवं निष्कर्षों को दोषपूर्ण और शुद्ध रूप से स्वाभाविक है। नेक्स्ट है इसमें दोषपूर्ण जीवन इतिहास। यह प्रणाली अपने अध्ययन में जीवन इतिहास का प्रयोग करती है, परंतु ये जीवन इतिहास दोषपूर्ण एवं वैज्ञानिक होते हैं। तो ये थे इसके केस स्टडी के मीनिंग था। इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें तो मीनिंग्स बताए केस स्टडी के, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेस, मेरिट और लिमिटेशंस इसमें आपको पूरा बताया है। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।